दीदी आपने ऐसा मुझे बोला था करने के लिए। सो गाइज ऐसा मत कीजिएगा, बहुत गर्मी है, ऐसा मत कीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपको ज़रूरत है हेयर कलर की और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आप मेरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपके लिए ठीक रहेगा, तो ही आप वो डिसीजन लीजिए, किसी के भी कहने पे, मेरे नहीं, किसी भी यूट्यूबर, किसी भी ब्यूटी ब्लॉगर, किसी के भी कहने पे आप कुछ भी मत करने लग जाइए अपने घर में, चाहे वो फेस के ऊपर हो, चाहे वो हेयर के ऊपर हो, चाहे वो इनफैक्ट जो घरेलू चीज़ों से बनता है वो। उसके बाद आप बोलेंगे कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। ये इतने हेट कमेंट्स आते हैं ना कि दीदी ऐसा आपने बोला था तो वैसा हो गया, या फिर ये तुमने ऐसा बोला, ये तुमने वैसा किया। आई कैन इन्फ्लुएंस यू बट आई कैनॉट चेंज योर डिसीजन और आई कैनॉट फोर्स यू टू टेक डिसीजन। हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोग को लॉरियल पेरिस का क्रीम ग्लॉस जो आता है उसमें मैं चॉकलेट कलर आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ और उसका रिजल्ट दिखाने वाली हूँ लाइव। मैं तो मैनुअल में बेसिकली दिया हुआ है कि पहले आपको अपने आपके बाल वेट करने हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी जब आप जिस दिन हेयर वॉश कर रहे हैं शैम्पू वॉश, उस दिन आप शैम्पू वॉश करके डायरेक्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप शैम्पू वॉश करेंगे तो आपके बाल एकदम क्लीन हो जाते हैं, है ना, जो भी डर्ट है वो निकल जाता है आपका, तो कलर आपके बालों पे अच्छे से चढ़ेगा। ठीक है, क्लीन कोई भी सरफेस पे अगर आप कलर पेंट करते हैं तो वो अच्छे से आता है। जिस दिन हेयर वॉश कर रहे हैं, देखिए मेरे बहुत ज्यादा ग्रे हो गए हैं कलर, मतलब मेरे बहुत ज्यादा ग्रे हो गए हैं, देखिए देख रहे, सामने तक दिख रहे हैं, पीछे भी दिख रहे हैं। और अभी लॉकडाउन का टाइम है, मैं तो एकदम, कहीं पार्लर खुले नहीं है, तो मैंने बस ये अमेजोन से ऑर्डर किया है। ये मुझे पड़ा है 550 रुपीस का, गाय 620 का प्राइस था, 550 रुपीस में मुझे ये पड़ा है। और जैसे ही वो आया ना बाहर, तो मैंने ग्लव्स पहन के रिसीव किया पार्सल, और उसका बाहर का जो पैकिंग जो था ना वो मैंने फेंक दिया कार्डबोर्ड, तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इसमें तीन चीजें निकली थी, इसमें निकला था आपका कास्टिंग क्रीम ग्लॉस कलर, फिर डेवलपर, और आपका यह है कंडीशनर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डायरेक्ट हेयर वॉश करके, शैम्पू वॉश करके अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप ये वाला कंडीशनर यूज कीजिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये वाले ग्लव्स दिए हुए हैं गाइस, तो मैं ये वाले ग्लव्स यूज नहीं करने वाली हूँ, मैं रख दूंगी बाद के लिए कभी, तो मैं ये वाले ग्लव्स यूज करूंगी, ये वाले ग्लव्स मैं यूज नहीं करूंगी। मैंने वैसलीन ले लिया है, तो वैसलीन आप यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे कि आपके कान वान में, कान के पीछे कलर ना हो जाए। ठीक है, सो गाइज ये दावा करता है इट्स अमोनिया फ्री, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी हेयर कलर में अमोनिया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कर रही हूँ अपने हेयर कलर इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मुझे कई क्वेश्चन आएंगे, दीदी आपके बाल इसीलिए इतने पतले हैं, आप ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, आपके बाल इतना हेयर फॉल हो रहा है, आपके इसीलिए आपके बाल नहीं बचे हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं क्या, मतलब अगर मेरे बाल सफेद हो गए हैं तो मैं क्या करूं, ऑब्वियसली छुपाऊंगी ना, तो हेयर कलर तो मुझे करना ही होगा। कोई भी हेयर कलर ऐसा नहीं है, या मेहंदी भी ऐसी नहीं है कि आप एक बार कर लेंगे और वो बहुत दिनों तक चल जाएगा, नहीं, हर तीन महीने में आपको करना ही होगा। और गाइज मैं मेहंदी भी लगाती हूँ बीच बीच में, और मेहंदी से उतना ज्यादा यू नो सॉफ्टनेस नहीं आती बालों में, बहुत रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं मेहंदी से बाल। आप कितना भी अंडा डाल लो, कुछ भी डाल लो, बहुत ज्यादा आपको मेंटेन करने की जरूरत रहती है। तो मैं हेयर कलर करती हूँ, और ये मेरे हेयर है तो मुझे पता है इसका टेक्सचर पहले से ही ऐसा है, बचपन से ही ऐसा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे बहुत लंबे बाल हैं और मैंने ये सब कर करके ट्रीटमेंट अपने बाल गवा दिए हैं, ऐसा मुझे कोई दुख भी नहीं है कभी। मेरे हमेशा से बाल ऐसे ही थे, मैंने शॉर्ट कटाए, लॉन्ग हुए, तो भी यही टेक्सचर है, पतला, मेरे एक एक बाल बहुत थिन है। ठीक है, तो मेरा यही टेक्सचर है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जैसे कमेंट्स वगैरह आते हैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, यही मेरे बालों का टेक्सचर है, यही मेरे बालों की लेंथ है, और यही मेरे बालों का यू नो वॉल्यूम है, इतने ही है भाई मेरे बाल पहले से ही। तो ये कलर मैंने चॉकलेट शेड में लिया है गाइस, चॉकलेट, बार बार आप मुझे कमेंट्स में पूछेंगे तो ये चॉकलेट शेड है, मैं लिख दूंगी यहाँ पे, तो वहां पे भी मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ज्यादा रूट पे अगर ग्रे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वैसे तो आप ग्लोबली कर ही रहे हैं, तो जैसे मेरे देखिए, ये देखिए कितने ज्यादा ग्रे हेयर हैं, तो उसके लिए आप 20 मिनट्स ऐसे इन लोगों ने बोला है, बट आप और 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, तो मैं तो एडवाइस करूंगी आप आधा घंटा इसको छोड़ दीजिए लगा के। ठीक है, आपने लगाया, अच्छे से मसाज किया, हाफ एन आवर आपने छोड़ दिया, अब मुझे ये फालतू का क्वेश्चन मत पूछेगा कि दीदी अब इसको शैम्पू से वॉश करना है। यार इतनी कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने बालों में हेयर कलर किया है, या आपने बालों में स्पा किया है, या आपने बालों में कोई भी स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई किया, तो अगर आप उसको शैम्पू वॉश कर देंगे तो वो तो बर्बाद ना, पूरी क्रीम तो आपकी निकल जाएगी, कलर तो आपका निकल जाएगा। तो अब शैम्पू वॉश नहीं करना है, ओनली एंड ओनली आपको वाटर वॉश करना है, ये हेयर स्पा हो, ये स्ट्रेटनिंग क्रीम हो, चाहे ये हेयर कलर हो, वाटर वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करना है ये जो इन्होंने मास्क दिया है उसको अच्छे से अप्लाई।
सो गाइस ये बहुत ही सिंपल है, जिसमें नंबर वन लिखा है वो जो ट्यूब है क्रीम वाली, उसको आपको डेवलपर की जो नोजल बॉक्स दिया है उसमें आप पूरा डाल देंगे। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा सा यूज़ करना है तो आधा आधा भी आप ले सकते हैं, आधा ट्यूब और आधा उसके डेवलपर में से आप उसको डेवलपर ले सकते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट मैं पूरा यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने पूरा डाल दिया। और अब आप इसको अच्छे से शेक करेंगे, बहुत अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए और नोजल काट के यूज़ करेंगे। मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मेरे अभी वेट हेयर हैं, ठीक है। और जैसा कि लीफलेट में लिया था उस हिसाब से मैंने कलर मिक्स कर लिया है और मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया है उसका। तो गाइज अब हम लोग अप्लाई करेंगे कलर। नो डिपिंग फॉर्मूला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना नया व्हाइट टॉप पहन के बैठ जाएं, पुराना एक टॉप पहन। पहले मैं अपने हेयर को कॉम्ब कर लूंगी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हो रहे हैं और बहुत गंदे से हो रहे हैं, मतलब एकदम गुड्डो जैसे हो रहे हैं मेरे बाल। वैसलीन अप्लाई कर लूँगी कॉर्नर्स में। अभी मैंने इंस्टाग्राम में और एक यू नो ब्लॉगर का हेयर कलरिंग वीडियो देखा था, तो उनके पूरे चेहरे पे कलर लग चुका था, तो थोड़ा पहले से ना इसमें एहतियात बरती है थोड़ा, और आप अपने कान पे, कान के पीछे हर जगह पे वैसलीन लगाइए। चलो अब मैं कैंची से ऊपर का नोजल काट लूंगी। तो गाइस ऊपर में मैंने नोजल काट लिया है, यहाँ पे अब मैं अप्लाई करना शुरू करूंगी। मान लीजिए आपको सिर्फ फ्रूट टचअप करना है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप एक बाउल में क्या कीजिए, जो मैंने पूरा का पूरा कलरेंट मिक्स किया है डेवलपर में वो मत कीजिए, एक बाउल में थोड़ा सा कलरेंट थोड़ा सा ये लेके अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए तीन चार लोग को फैमिली में यूज करना है, एक कलर आपने मंगाया है तो दैट्स फाइन, आप अपने लिए थोड़ा सा निकाल लेंगे थोड़ा सा, जब आपके जरूरी नहीं है कि भाई आप इसमें पूरा का पूरा ग्लोबली करें। मुझे ऐसा था कि मुझे करना था ग्लोबल पूरा ना, मुझे थोड़ा सा ओवरऑल कलर देना था अपने बालों में। मैंने पूरा कलर अप्लाई कर लिया है, 45 मिनट्स में रखने वाली हूँ। सही सुना आपने, 45 मिनट्स में चाहती हूँ अच्छे से कलर आए, तो 45 मिनट्स बाद मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइस मैं वॉश करके आ गई हूँ 45 मिनट्स के बाद, और मैंने ये वाला मास्क लगाया है इसके साथ जो अवेलेबल था, बहुत अच्छे से मैंने लगाया है ज्यादा ज्यादा करके, और अब मैं इसको 10 मिनट रखने वाली हूँ, मिलती हूँ आपसे 10 मिनट में। गाइस इसका मैं बताती हूँ, इसको ना ज्यादा ज्यादा यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये मतलब एक मास्क है, ये कंडीशनर नहीं है, ये मास्क की तरह यूज कीजिएगा। और ऐसा नहीं कि आप थोड़ा मतलब रख लें बाद में यूज करेंगे, ऐसा मत कीजिए कि मैं ऐसा सोच रही थी। बट देन जब भी आप हेयर कलर करते हैं तो ऑलरेडी आपके बाल रफ हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ना मास्क आपको अच्छे से ज्यादा ज्यादा और ज्यादा देर के लिए लगाना चाहिए। सो गाइस चॉकलेट ब्राउन वॉज माई शेड, आई थिंक सो। इसको सूखने के बाद सही से पता चलेगा कि कैसा कलर आया है। तो देखिए गीले वालों में तो उतना पता चल नहीं रहा है, अब मैं हेयर ड्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ, तो स्टे ट्यून। सो गाइज मैंने हेयर ड्राई करा है, वेट बालों में इतना दिख नहीं रहा था तो गीले बालों में, तो इसलिए मैंने हेयर ड्राई किया। तो आप देख सकते हैं जहाँ मेरी स्ट्रीक्स थी ना, तो स्ट्रीक्स का जो कलर था एक्चुअली वो नहीं रहा है, बट अपना एक चॉकलेट ब्राउन टाइप का हल्का सा टिंट आया है, ठीक है। सो गाइज मैंने ये ऑलरेडी यूज किया हुआ था, यू नो पहले 3 साल पहले आई गेस मैंने ये किया था पूरा ग्लोबल, पता था कि ये क्या होने वाला है। बट अगर आप लोग यूज करने वाले हैं लॉरियल तो मैं आपको बता दूं, एक शाइन तो रहेगा, क्रेटिन जैसा कुछ ट्रीटमेंट, क्रेटिन ट्रीटमेंट के बाद जो एक शाइन आ जाता है वो तो रहेगा, बट आप ये मत समझे कि आपके बाल कुछ अलग से यू नो चॉकलेट ब्राउन लगने लगे, बट ऐसा होता नहीं है, जस्ट एक टिंट आता है चॉकलेट ब्राउन का। मैं पीछे से भी आप लोग को दिखा देती हूँ झुक के, तो
का। गाइस आप लोग भी यूज कर सकते हैं अगर आप लोग को वर्थ लगे 550 रुपीज। बाकी मैं तो बोलूंगी पूरी फैमिली के लिए आप एक मंगाइए, थोड़ा थोड़ा करके सब लोग यूज कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बालों पे यू नो बहुत अच्छा एक इफेक्ट छोड़ता है, स्मूथ रहते हैं। और क्या बोलूं मैं, बस दैट्स इट, सब कुछ आपके सामने ही है। तो गाइस पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, 1 लाख मेरा चैनल पहुंचने वाला है सब्सक्राइबर्स पे, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए गाइस, 1 लाख एटलीस्ट मुझे पहुंचा दीजिए प्लीज। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।